मनीषा रानी ने अपनी स्ट्रगल स्टोरी में ये बात बताई थी कि वो कोलकाता में एक वेट्रेस का काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि वहां पर उनकी एक दोस्त भी थी, लेकिन दोस्त के साथ उनकी आज किस तरह बनती है किस तरह नहीं ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनकी दोस्त जरूर बताती हुई नजर आ चुकी है, जो मनीषा को सोशल मीडिया पर कर चुकी है बदनाम। सच कितना है इस बात में ये हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने क्या कहा है आपको बताते हैं। उनके एक आर्टिकल सामने आया है जहां पर डॉली ने कहा है कि मनीषा एक ऐसी लड़की है जो हमेशा ही लड़कों को फंसाती है। बेबिका का डायलॉग आप सभी को याद आ रहा होगा, जहां बेबिका ने कहा था कि ये लड़कों पर ही मरती है, लड़कों को ही दोस्त बनाती है, और वही बात उनकी दोस्त डॉली ने भी कही। और ये अभी की बात नहीं, बिग बॉस जब चल रहा था तब की बात है, और अब जाकर ये आर्टिकल सामने आया है। डॉली का कहना है कि उन्होंने हमेशा ये देखा कि मनीषा किस तरह लड़कियों को कम दोस्त और लड़कों को ज्यादा दोस्त बनाती है, उनके साथ पार्टियां भी करती है तो वही उनके साथ घूमने फिरने भी जाती है, उन्हीं के खर्चे पर पलती है। और मनीषा को लेकर ये भी कहा डॉली ने कि वो एक बार में काम कर रही थी। वेल, इस बार की भी बहुत लंबी स्टोरी है, वो अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में आपको बताएंगे, लेकिन इस बार के ओनर को भी मनीषा ने पटा लिया था और उसके साथ बहुत गलत काम किया था। वो गलत बात क्या है, गलत काम क्या है, ये भी जरूर बताएंगे। लेकिन जो करेक्टर पर सवाल उठा है मनीषा का, उन्हीं की कोलकाता वाली दोस्त डॉली की ओर से, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो मनीषा ही बता सकती है, क्योंकि मनीषा की ओर से अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया और ना ही मनीषा को लेकर किसी और ने ऐसी कही बात कही है। क्या कहेंगे इस पर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना जाएं।